दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1999 में आई सनी देओल साहब की फिल्म अर्जुन पंडित के बारे में। दोस्तों अर्जुन पंडित फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज 20 अगस्त को इस फिल्म ने अपने पूरे 20 साल कर लिए हैं। साल 1999 में 20 अगस्त को रिलीज हुई थी ये फिल्म और आज है 20 अगस्त साल 2019। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अर्जुन पंडित फिल्म आपको कैसी लगी थी और फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बात करें फिल्म अर्जुन पंडित की तो साल 1999 में आई सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल ज़रूर थी। दर्शक बेहद पसंद करते हैं इस फिल्म को, लेकिन टॉप टेन जो फिल्में थी साल 1999 की उससे बाहर थी ये फिल्म। अगर बात करें इस फिल्म की तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी ये फिल्म 9.5 करोड़ रुपये की कमाई करके। और सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित साल 1995 की कन्नड़ फिल्म ओम का रीमेक थी। सनी देओल से पहले इस फिल्म को अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी करना चाहते थे, लेकिन अक्षय कुमार ने रवीना टंडन से लड़ाई के चलते इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इसके बाद रवीना टंडन भी इस फिल्म से दूर हो गई थी। उससे पहले रवीना टंडन इस फिल्म को साइन कर चुकी थी। बॉलीवुड फिल्म अर्जुन पंडित ने पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। साल 1999 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अर्जुन पंडित 13वें नंबर पर थी। नंबर 12 पर थी बॉलीवुड की फिल्म दाग द फायर संजय दत्त की, जो हम सभी को याद है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 21 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। अगर बात करें फिल्म अर्जुन पंडित की तो अर्जुन पंडित ने अपने पहले दिन तकरीबन 1.2 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और साल 1999 में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अर्जुन पंडित नंबर 8 पर थी। बॉलीवुड फिल्म हेलो ब्रदर ने अर्जुन पंडित का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया था, जिसने पहले दिन तकरीबन 1.4 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वैसे अगर बात करें साल 1999 में अजय देवगन की एक फिल्म और आई थी हिंदुस्तानी कसम, इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। और ये बॉलीवुड की जो अर्जुन पंडित फिल्म थी ये अंतिम फिल्म थी जिसमें सनी देओल और जूही चावला ने एक साथ काम किया था। इसके बाद इन दोनों ने किसी भी दूसरी बॉलीवुड फिल्म में एक साथ काम नहीं किया था। और अर्जुन पंडित फिल्म के जो निर्देशक थे राहुल रावल, दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है, वैसे तो बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अर्जुन पंडित फिल्म के जो निर्देशक थे राहुल रावल, वो इस फिल्म में सबसे पहले मुख्य भूमिका में लेना चाहते थे ऐश्वर्या राय को जूही चावला की जगह, लेकिन वो किसी वजह से इस फिल्म में काम करने से उन्हें मना कर दिया था। फिर मुख्य भूमिका के लिए इस फिल्म में जूही चावला को लिया गया था। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस फिल्म में सबसे पहले अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी काम करना चाहते थे और रवीना टंडन ने तो ये फिल्म साइन भी कर ली थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अर्जुन पंडित फिल्म कैसे लगती है। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।